और दो तीन पेट्रोल पंप पे गया, मतलब जगह नहीं दिया, कह रहा 6 किलोमीटर रह गया। और टाइम देखो, टाइम देख सकते हो 7 बज गया, मतलब 1 मिनट कम। तो इतना अंधेरा हो गया फिर भी साइकिलिंग कर रहे हो, बस एक अच्छा जगह के लिए। तो गाइस देखो कितना स्पीड में जा रहा हो, एक बार स्पीड चेक करो। देखो 30 की स्पीड में जा रहा हो, पूरा मिशन ले लिया जो सिलीगुड़ी में जाके स्टे करना है। गाइस देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रहा है, और इसी बारिश में जो मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो गाइस फाइनली पहुंच गया धूपगुड़ी का जो मतलब ट्रैफिक पॉइंट। अच्छा हुआ अंकल ने दूध दे दिया, चाय नहीं दिया, ऐसे भी मैं चाय कम पीता हूँ अंकल। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तब सब कैसे हो, आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त खुश हो। तो गाइस आज है मेरा डे 7 और आज मैं जाने वाला हूँ कुछ भी आपसे डायरेक्ट जलपाईगुड़ी की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते। और बाकी कल रात में जो जहाँ पर रुका होता देख सकते हो कुछ इस टाइप की जगह पे रुका होता, यहाँ पर जो रुकने के लिए पर नाइट के लिए मतलब 60 रुपीज देने पड़ते हैं, बट मेरे को जो फ्री कर दिया, मतलब फ्री नहीं एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर कौन आ रहा है कौन रह रहा है सब डिटेल्स दिखाना पड़ता है। यहाँ का जो अंकल है मतलब स्टाफ है जो, उन्होंने मतलब अपनी जेब से पैसा भर के मेरे को यहाँ पर रहने दिया, और जो 100 रुपये भी दे दिया मेरे पास पूरा खाने के लिए। अंकल तो है नहीं अभी, ये तो मिला देता, वैसे पिछले ब्लॉग में मैंने मिला दिया था अंकल से, तो अंकल ने काफी ज्यादा हेल्प कर दिया मेरे को 100 रुपये। वैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है, हर कोई हेल्प कर रहा है। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड करते स्टार्ट। और आज जो निकलने में थोड़ा लेट हो गया, 8:11 हो गया, मैं डेली बोलता हूँ लेट हो गया, बट जो मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा जो मिशन रहता है 6 बजे निकलने का, तो निकल नहीं पाता इसकी वजह से डेली बोलता हूँ मैं लेट हो गया। बाकी ये रहा मदन मोहन टेम्पल। तो गाइस देख सकते हो राजबाड़ी के सामने से जो जाना पड़ रहा है दोबारा, कल जो यही सब जगह घुमा के दिखाया था, अभी तो फिलहाल सुबह सुबह सब कुछ ऑफ है, एकदम दुकान वकान सब ऑफ है। और राजबाड़ी जो कुछ 10 बजे खुलता है, 10 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक बंद होता है। तो गाइस टाइम कुछ 9 हो गया और मैं राइड कर लिया कुछ किलोमीटर अभी तक, मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं किया, तो करने वाला थोड़ा टाइम, अभी भूख भी नहीं लग रहा है। सुबह सुबह जो बिस्किट खा के निकल गया था, और चना वगैरह तो खाता ही हूँ। और बाकी देख सकते हो यहाँ पर सुबह सुबह कुछ फॉग जैसा गिर रहा है मेरे को लग रहा है, और ठंडी भी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। देख सकते हो सुबह सुबह जो फॉग गिर रहा है, अभी 9 बज गए फिर भी, क्योंकि उस साइड में जो पहाड़ है भूटान है उस साइड में। सुबह से देख सकते हो 26 किलोमीटर राइड कर लिया और 1 घंटा 40 मिनट। तो गाइस यहाँ पर एक अंकल मिला, मतलब कल जो मतलब एक मेरे को न्यूज लाइव का मिला था फेसबुक वाला, वो जो मतलब वीडियो थोड़ा चल रहा है, तो अंकल जो देखा, देख सकते हो अंकल है, अंकल अभी चाय वगैरह पिला रहा है। मैं रास्ते से जा रहा था, अंकल ने अचानक से बुलाया, मैं भी बैग ले लिया, तो देख सकते अंकल चाय वगैरह बना रहा है मेरे लिए यहाँ पर मस्त। और यहाँ पर देख सकते केक वगैरह और ये बिस्किट वगैरह। तो गाइस अभी मैं ऐसे खाने के लिए रुकने ही वाला था, मैं यहाँ पर देख रहा था। ओ अच्छा हुआ अंकल ने दूध दे दिया, चाय नहीं दिया, ऐसे भी मैं चाय कम पीता हूँ, अंकल से पूछ रहा था। अच्छा हुआ अंकल ने दूध दे दिया, तो मस्त है एकदम। अंकल का नाम जनक वर्मा है। अच्छा जनक वर्मा, और जिस जगह का नाम उसका जाना है, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा हम उधर सिलचर अगरतला जो करीमगंज हैलागंज सोनापुर सोनापुर जितना है गुवाहाटी, हाँ। हम नोटिस पूरा घूम चुका हूँ। अच्छा और अंकल जब पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रखा है हमारे उधर, तो चलते हैं अभी मस्त है, अभी खाते हैं यहाँ से, पर खा के निकलते हैं जो फालाकाटा कुछ 20 किलोमीटर होगा शायद। अच्छा 16 किलोमीटर आएगा इस यहाँ से, 20 किलोमीटर नहीं है। तो गाइस अंकल की यहाँ से तो निकल गया, और बाकी मौसम पूरा ओके ओके है, देख सकते हो मस्त है एकदम। तो अभी चलते रहते, डायरेक्ट मिलते हैं फालाकाटा में। फालाकाटा जो कुछ 16 किलोमीटर रह गए अंकल। तो गाइस फाइनली पहुंच गया फालाकाटा में, और देखते हो बारिश कितना तेजी में हो रहा है। तो गाइस आज तो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आज तो नहीं रुकने वाला हूँ, आज क्योंकि रेनकोट वगैरह पहन के, क्योंकि आज जो कुछ प्लेस वगैरह में विजिट तो करना है नहीं, तो सीधा चलते रहना। और यहाँ पर दो भैया मिला देख सकते हो, टोमेटो वाले जो मेरे को बिस्किट वगैरह खरीद के दे रहे हैं, ये देखो भैया, हेलो भैया, देखो। और ये एक भैया मिला, तो बिस्किट वगैरह ऐसे जो रस्ते में हेल्प मिलता रहता है। तो अभी चलते हैं, और साइकिल इधर खराब है, और फालाकाटा से आप जो डायरेक्ट जाना है धूपगुड़ी में, धूपगुड़ी में जाके मिलते हैं अभी। तो गाइस देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रहा है, और इसी बारिश में जो मैं साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो फिर नहीं पहुंच पाऊंगा मैं जलपाईगुड़ी, और पहुंच सकता हूँ। और जो भी देख रहा है मेरे को ही देख रहा है, बस ये पागल ही है इतना तेज बारिश में जो साइकिल चला रहा है। रोड का सीन देखो एक बार, और ये रहा देखो प्लाईवुड इंडस्ट्री जिसमें।
फाइनली पहुंच गया धूपगुड़ी का जो मतलब ट्रैफिक पॉइंट है, ये जो सेंटर है यहाँ पर पहले भी आ रखा हो, थोड़ा थोड़ा पहचान पहचान से लग रहा है। और अभी ढूंढते हैं खाने के लिए, दोपहर को जो टाइम भी हो गया कुछ 1:41 हो गया देख सकते हो, तो अभी देखते हैं कहीं होटल वोटल ढूंढते हैं खाने के लिए। तो कहीं देख सकते हो जलपाईगुड़ी जो कुछ 16 किलोमीटर रह गया, और मैंने जो लंच वगैरह कर लिया मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, मतलब क्या बोलो होटल थोड़ा लोग बहुत ज्यादा था तो वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा लग रहा था तो बना नहीं। तो गाइस मैं फिलहाल क्रॉस कर रहा हूँ तीस्ता रिवर, और ये देख सकते हो ये साइड में गाड़ी चलता है, उस साइड में भी गाड़ी चलता है, बट उस साइड में जो ट्रेन चलता है और काफी मस्त है व्यू। और दार्जिलिंग तो पहुंचने वाले है, बाकी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ठंडी की मौसम है, जैसा मतलब फॉग फॉग सा गिर रहा है ऐसा लग रहा है देखने में। आप लोगों को वीडियो में पता नहीं लग रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है, और ठंड भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है मतलब। तो गाइस जलपाईगुड़ी तो पहुंच गया, मतलब जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर नहीं है, सेंटर जाने के लिए वो जो रोड जा रहा है उधर से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी अंदर उधर से जाऊंगा तो फिर कल दोबारा इसी रोड से जाना पड़ेगा, तब समझ में नहीं आ रहा कहाँ स्टे करूंगा, तो जलपाईगुड़ी में तो आज नहीं जाऊंगा सेंटर में, क्योंकि जलपाईगुड़ी में जाके मेरे को कोई काम भी नहीं है। तो अभी चलते फिलहाल बीच में रोड में चलते रहते, देखते कहीं भी पेट्रोल पंप मिलेगा तो स्टे कर लूंगा। और टाइम हो गया देख सकते हो 4:44, तो चलते रहते हैं देखते बीच में कहाँ पेट्रोल पंप मिलता है। आज क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, 6 बज गया देख सकते हो, मेरे पीछे थोड़ा मतलब अंधेरा अंधेरा होने लग गया, और 2-3 पेट्रोल पंप में गया मतलब जगह नहीं दिया, कह रहा टेंट नहीं लगा सकता अब यहाँ पर, तो आगे देखते हैं और कितना दूर, और जो ऐसे सिलीगुड़ी जो कुछ 32 किलोमीटर रह गया, ज्यादा नहीं रह गया, बाकी अंधेरा भी तो होने वाला सिलीगुड़ी में जाके, फिर कहाँ स्टे ढूंढूंगा। गाइस व्यू देखो आगे का कितना मस्त हो रहा है भाई साहब, दिल को ना सुकून मिल रहा है, बाकी एक टेंशन भी है मन मन में, थोड़ा बहुत टेंशन भी हो रहा है क्योंकि रात में रुकने के लिए अभी स्टे नहीं मिला, मतलब 2-3 पेट्रोल पंप में गया था तो वो मना कर दिया कर रहा है आप लोग अब यहाँ पर टेंट नहीं लगा सकते। तो अभी और जो सिलीगुड़ी का दूरी रह गया कुछ 29 किलोमीटर, तो अभी 6:00 बज गया पूरा, अभी लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 6 पूरा बज गया, तो अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, तो चलते रहते देखते हैं क्या पता सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। तो गाइस देखो कितना स्पीड में जा रहा हूँ, एक बार स्पीड चेक करो देखो, 30 की स्पीड में जा रहा हूँ, पूरा मिशन ले लिया जो सिलीगुड़ी में जाके स्टे करना है। तो गाइस देख सकते हो अंधेरा जो होने वाला है, बाकी रोड का जो नजारा है काफी मस्त है, और कुछ 18 किलोमीटर कुछ रह गया देख सकते हो, तो जल्दी जल्दी पहुंचते देखते हो। और टाइम जो हो रहा है कुछ 6:26 हो रहा है, 6:26, तो अभी चलते रहते। तो गाइस ये देखो कुछ 7.6 किलोमीटर रह गया, और टाइम देख सकते हो 7 बज गया, मतलब 1 मिनट कम, तो इतना अंधेरा हो गया फिर भी साइकिलिंग कर रहे हो, बस एक अच्छा जगह के लिए, चाहे तो पेट्रोल पंप में रह सकते था, लेकिन पेट्रोल पंप में जो मच्छर काटता है और बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा अच्छा के लिए तो गाइस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ये, बाकी ये सब अगर दिल्ली में आता तो थोड़ा बहुत व्यूज भी दिखा लेता सिलीगुड़ी का, बाकी सिलीगुड़ी में एंटर हो गया तो अभी थोड़ा सा और रह गया। तो गाइस सिलीगुड़ी जो है मतलब वेस्ट बंगाल का सेकंड कोलकाता आप बोल सकते हो, और अभी भी देख सकते हो अभी भी जो है 4 किलोमीटर रह गया, और टाइम हो रहा है 7:11, तो पहुंच जाएंगे थोड़ा जल्दी, थोड़ा टाइम और बस। ओह गाइस आज जो है सबसे ज़्यादा मतलब राइड किया, आज जो है लगभग 155+ ही राइड किया गाइस, ओह समझ सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है, तो जल्दी जल्दी पहुंचते जगह। तो गाइस फाइनली मतलब गुरुद्वारा में पहुंच गया, और गुरुद्वारा में जो वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, और अभी आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ देख सकते हो 9:10 हो गया, आज जो मतलब रूम यहाँ पर मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला, एक आंटी आया था यहाँ पर मतलब वो बाहर से मतलब गुरुद्वारा में माता होता टेकने आया था, तो उस आंटी की वजह से तो मेरे पास यहाँ पर रूम मिला बहुत मुश्किल से, बाकी रूम देख सकते हो काफी मस्त है, थोड़ा सा मेहनत में आने के बाद जो आज आराम से बेड वेड मिल गया, ऊपर पंखा वंखा लगा हुआ है, तो मस्त आराम से यहाँ पर सोएंगे। और बाकी 9 बज गया समझ सकते हो, और मैंने जो यहीं पर लंगर चल रहा था, और गुरुद्वारा में तो लंगर चलते रहता है,
तो यहीं पे खा लिया। तो मस्त, तो आज का ब्लॉग को जो एंड कर देते गाइस, और कल जो मतलब दार्जिलिंग के चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर है, 2 दिन लग जाएगा दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते। और आज जो मतलब टोटल राइड किया देख सकते हो 139 किलोमीटर। तो गाइस आज जो मतलब सबसे ज़्यादा राइड किया मैं, मतलब समझ सकते हो रात के 8 बजे तक मैंने साइकिल चलाया, सुबह की 8 बजे से लेकर। तो इस ब्लॉग को ही पेंट कर देते, शरीर बहुत थका हुआ है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।